भारत की सबसे सफल फिल्म बन चुकी बाहुबली पार्ट 2 ने रिलीज के 17वें दिन तक वर्ल्ड वाइड 1400 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। एक पॉपुलर अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक राजामौली पहले ये फिल्म ऋतिक रोशन को लेकर हिंदी में बनाने वाले थे। उनकी प्लानिंग थी कि इसे बाद में दूसरी भाषाओं में डब किया जाएगा। जब ऋतिक रोशन ने फिल्म में काम करने से मना कर दिया तो उन्होंने इसमें प्रभास को ले लिया। हालांकि राणा दगुबती ने ट्वीट कर कहा है कि बाहुबली के रोल के लिए प्रभास स्क्रिप्ट स्टेज से ही थे, जबकि उनके बाद मैं भल्लाल देव के रोल के लिए चुना गया था। अनुष्का शेट्टी से पहले देवसेना के रोल के लिए साउथ एक्ट्रेस नयनतारा को अप्रोच किया गया था, हालांकि नयनतारा ने किन्हीं कारणों की वजह से ये रोल करने से मना कर दिया। बाद में इसे अनुष्का शेट्टी ने बखूबी निभाया। फिल्म में भल्लाल देव के रोल के लिए राजामौली की फर्स्ट चॉइस जॉन अब्राहम थे। इसके लिए राजामौली ने जॉन को स्क्रिप्ट भी भेजी थी। हालांकि जॉन ने भी इस रोल के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। इसके बाद उन्होंने राणा दगुबत्ती से बात की। सोनम कपूर के पास अवंतिका के रोल का ऑफर आया था, लेकिन उन्होंने भी ये रोल करने से इनकार कर दिया था। बाद में इसे तमन्ना भाटिया ने किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म मेकर चाहते थे कि सोनम फिल्म की शूटिंग के दौरान पूरे 2 साल तक कोई और फिल्म ना करें। साउथ के सुपरस्टार मोहनलाल के पास कटप्पा का रोल करने का ऑफर आया था, लेकिन उन्होंने भी इस रोल की अहमियत समझे बिना इसे ठुकरा दिया। बाद में ये रोल साउथ के ही एक्टर सत्यराज ने प्ले किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक विवेक ओबेरॉय को भी भल्लाल देव का रोल करने का ऑफर दिया गया था, लेकिन अपने बिजी शेड्यूल की वजह से उन्होंने ये रोल रिजेक्ट कर दिया था। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज़ देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।